हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लेफ्ट ओवर गुलाब जामुन जो मैं लेके आई थी हल्दीराम के, तो उसकी चाशनी जो बची हुई है उससे हम बनाएंगे शक्कर पारे, मीठे शक्कर पारे। तो उसके लिए हमें चाहिए लेफ्ट ओवर चाशनी, ये हाफ कटोरी है लाइक ऐसी चाशनी, देन टू पिंच ऑफ इलायची पाउडर, और ये वाली 1 कटोरी हम मैदा लेंगे और 1/2 कटोरी सूजी लेंगे। देन ऑयल फ्राई करने के लिए, तो बताती हूँ फटाफट से कैसे बनाना है। तो हमें लगाना है अभी आटा, तो उसके लिए मैं लूँगी 1/2 कटोरी सूजी, देन 1 कटोरी मैदा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सूजी और मैदे को। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, ये मोइन के लिए है और इससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता शक्करपारे बनते हैं, तो प्लीज़ इसको स्कीप ना करें, ज़रूर डालें। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, पर देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे हम, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें सिर्फ चाशनी से इसका पूड़ी जैसा आटा तैयार करना है। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम चाशनी से इसका आटा लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी चाशनी करके हम मिलाएंगे। इसके अंदर आप तिल्ली भी मिला सकते हैं, तो अभी मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लगती है तिल्ली मिलाते हैं तो अब अपन इसको मसल मसल के गूंदेंगे ऐसे, क्योंकि हमें पूड़ी जैसा आटा चाहिए। तो 5 से 10 मिनट हम ऐसे ही इस आटे को कंटिन्यू इसी तरीके से गूंदेंगे, ताकि हम जब बेलेंगे इसको तब टूटे नहीं ये शक्कर पारे। और इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो हमें ऐसे ही आटा चाहिए, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं, पूड़ी के जैसा आटा। तो आटा रखे हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो आटा हमारा अब रेडी है। तो अब हम इसको लोई उठाएंगे ऐसे और ऐसे हल्का सा बेलेंगे, देन आप हल्का सा घी लगाकर बेलन पे और चकले पर जहाँ पे भी आप बना रहे हैं इसको, तो आप इसको ऐसे बेल लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा भी इसको उठाना नहीं है, क्योंकि ये टूट सकता है, और बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं रखना है। तो हम इसके चौकोर चौकोर पीस काटेंगे, ऐसे, क्योंकि मेरे बच्चों को यही शेप पसंद है, तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, एक एक पीसेस हम अलग अलग कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे, और ऑयल गर्म होने के लिए रखते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा तेल गर्म भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, मीडियम तेल चाहिए। तो उसको हम चेक करने के लिए एक हल्का सा टुकड़ा डाल के देखेंगे, तो ये ऊपर आ जाता है, तो ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है टुकड़ा। तो एक एक करके अब सारे शक्कर पारे इसके अंदर डालेंगे, बिस्मिल्लाह। और अच्छे खासे ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे, और एकदम से नहीं पलटना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खस्ता है तो टूट सकते हैं।
पाँच मिनट आप ऐसे ही रहने दें, फिर इसको पलटें। बिल्कुल कुकीज़ के जैसे लगते हैं ये, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो पाँच मिनट ऐसे ही रखेंगे, देन ये एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं तो हम इनको पलटते हैं एक एक करके। देन फाइव मिनट्स के बाद ये अच्छे खासे ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकालेंगे। से अच्छे खासे ब्राउन हो चुके हैं तो हम इनको दो मिनट के बाद निकालेंगे। जब हम निकालते हैं तब थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब हम इनको टिश्यू पे रख के पाँच छः मिनट के लिए फैन में हम छोड़ेंगे तो ये अच्छे कुरकुरे, क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। तो निकाल लेते हैं हम इनको, करती हूँ डिश आउट। तो बनकर रेडी है हमारे शक्करपारे, तो आप भी बनाइए मेरे तरीके से और कमेंट करके बताइए कैसे बने हैं। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इन बहरीन। दुआओं में याद रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।